नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के व्यवसाय अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पाठ नंबर 7 है निर्देशन, जिसके भाग 2 में आता है पर्यवेक्षण, अभिप्रेरणा, मास्लो की आवश्यकता, कम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो ये सब हम आज के अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था विषय प्रवेश निर्देशन का अर्थ, निर्देशन की आवश्यकताएं, विशेषताएं, निर्देशन का महत्व, निर्देशन के क्या सिद्धांत हैं तथा निर्देशन के क्या क्या तत्व हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण के बारे में। पर्यवेक्षण, इस शब्द को दो प्रकार से समझा जा सकता है। प्रथमतः इसे निर्देशन के एक तत्व के रूप में समझा जा सकता है और दूसरा संस्था के क्रम श्रृंखला में पर्यवेक्षकों के द्वारा किए गए एक कार्य निष्पादन के रूप में भी समझा जा सकता है। निर्देशन के एक तत्व के रूप में संगठन में प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है। ये नहीं कि काम दे दिया और बस हो जाएगा, नहीं, उसके ऊपर एक दृष्टि रखनी पड़ती है, ऑब्जर्व करना पड़ता है कि काम हो भी रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से इस अर्थ में देखा जाए तो पर्यवेक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है, जो कि वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन और अन्य संसाधनों के प्रयोगों से संबंधित होता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अधीनस्थों के द्वारा किए गए कामों का निरीक्षण करना और ये सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का अधिकतम प्रयोग हो रहा है, कार्य के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश देना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। पर्यवेक्षण को पर्यवेक्षक के कार्य निष्पादन के रूप में भी समझा जा सकता है। संगठन के क्रम श्रृंखला के क्रियात्मक स्तर पर एक प्रबंधकीय पद पर, जैसे कि श्रमिकों के तत्काल ऊपर, किसी संस्था के लिए पर्यवेक्षक का कार्य होता है प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों के साथ जुड़ाव, उनके संपर्क में रहना, जबकि प्रबंधकों का निचले स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता, प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे पर्यवेक्षण के महत्व के बारे में। पर्यवेक्षण के महत्व को पर्यवेक्षक के द्वारा निभाई गई अन्य अनेकानन्य भूमिकाओं के द्वारा समझा जा सकता है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। पर्यवेक्षक प्रतिदिन कर्मचारियों के संपर्क में रहता है और उनसे मैत्री भाव संबंध स्थापित करता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक वही होता है जो श्रमिकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करे, एक मैत्री भाव से मित्रता के रूप में पेश आए और एक फिलोसोफर के रूप में भी कार्य करें, एक दार्शनिक भाव भी उसके अंदर होता है। पर्यवेक्षक प्रबंधक और श्रमिकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, एक सेतु के रूप में कार्य करता है। वह एक तरफ श्रमिकों को प्रबंध के विचारों के बारे में बताता है और दूसरी तरफ श्रमिकों की समस्याओं को प्रबंधक के सामने रखता है। पर्यवेक्षण द्वारा निभाई गई ये भूमिका प्रबंधन और कर्मचारियों और श्रमिकों के बीच किसी भी तरह की गलतफहमी को नहीं आने देते, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता, कोई द्वंद या दुविधा की स्थिति नहीं आने पाती। पर्यवेक्षक अपने अधीनस्थ श्रमिकों से, जो कि उसके नियंत्रण में होते हैं, उनसे सामूहिक एकता को बनाए रखने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आंतरिक मतभेदों को, समस्याओं, बाधाओं को निपटाता है और श्रमिकों में आपसी तालमेल को भी बनाए रखने में सहयोग करता है। पर्यवेक्षक निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य का निष्पादन करके ये सुनिश्चित करता है कि वह कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व ले पा रहा है और अपने श्रमिकों को प्रभावशाली तरीके से मोटिवेट कर रहा है, अभिप्रेरित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। पर्यवेक्षक कार्यस्थल पर, पद कार्य पर कर्मचारियों और श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। एक कुशल
और ज्ञानशील पर्यवेक्षक ही कार्यकुशल श्रमिकों का दल तैयार कर सकता है, एक अच्छी एफिशिएंट टीम का निर्माण कर सकता है। पर्यवेक्षक नेतृत्व संगठन के श्रमिकों को प्रभावित करने में एक मुख्य भूमिका निभाता है। एक पर्यवेक्षक जिसमें अच्छे नेतृत्व के लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं, अच्छे नेतृत्व के गुण होते हैं, वह अपने श्रमिकों के बीच उच्च मनोवृत्ति का विकास कर सकता है। एक अच्छा पर्यवेक्षक कार्य का निष्पादन अच्छे से करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसकी प्रतिपुष्टि भी श्रमिकों को देता है, अर्थात उसका फीडबैक कि उन्होंने क्या कार्य किया, उसमें क्या कार्य के सुधार की आवश्यकता है, या जो कार्य हुआ उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, क्या प्रत्युत्तर रहा, वह भी श्रमिकों को देता है। वह कार्य कुशलता के विकास के लिए उन्हें नए नए सुझाव देता है, नए नए तरीके, नई नई पद्धतियां भी सुझाता है। एक असंतुष्ट प्रबंधक का निर्देशन, इसके बारे में एक केस स्टडी की गई जो कि इस प्रकार है। रश्मि जोशी एक महिला है जो कि पिछले 10 सालों से फाइन प्रोडक्शंस में एक मंडलीय विक्रय प्रबंधक के रूप में कार्य कर रही है। अपने सहकर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के द्वारा उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचान प्राप्त हुई जिन्होंने अपने विभाग का अच्छे से प्रबंधन किया, भली भांति प्रबंधन किया। सभी लोगों ने महसूस किया कि रश्मि उच्च स्तरीय प्रबंधन पद के लिए भी इच्छुक थी। जब भी वह कोई चेष्टा करती इस प्रकार की और कोई समस्या आने पर ये सोचती कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, और जब वे मार्केटिंग प्रबंधक सेवानिवृत्त हुए, सेवा से रिटायर हुए, तो रश्मि ने उस पद के लिए अपना आवेदन पत्र दिया। अब पद के उत्तरदायित्व और उसके महत्व को देखते हुए कंपनी ने खोजबीन करने का निर्णय लिया। इस खोज का निष्कर्ष निकला और ये निर्णय लिया गया कि इस पद पर कंपनी के बाहर के किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, आंतरिक व्यक्ति को नहीं। उच्च प्रबंधन इस सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंचा कि रश्मि हालांकि एक अच्छी विक्रय प्रबंधक हैं, परंतु उन्हें अपने नए सहकर्मियों के साथ कार्य करने में कठिनाई हो सकती है। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वे उन प्रबंधकों को अप्रसन्न कर देंगी जिनके कार्य का श्रेय लेने का वे प्रयास करेंगे, और इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, उनकी कार्य निष्पादन क्षमता पर कुप्रभाव पड़ेगा। इससे रश्मि को ठेस पहुंची, उन्हें अप्रसन्नता महसूस हुई, उन्हें निराशा महसूस हुई। उन्हें इस विशिष्ट पद की कई दिनों से चाहत थी और इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया कि ये पद उन्हें मिल जाए। वो अत्यंत निराश हो गई, उनके कार्यशक्ति का भी ह्रास होता चला गया, उतने मन से वो कार्य नहीं कर पा रही थी जितना कि वो पहले कर रही थी। विभाग उनके बिना भी वैसे ही कार्य करता रहा। निर्णय धीरे धीरे लिए गए और अपनी सेल्स रिपोर्ट देने से देर से देनी प्रारंभ कर दी। हालांकि उनके अधीनस्थ विक्रय कर्मचारी अपनी उत्पादन क्षमता को बनाए रखने में सफल रहे, रश्मि उनका श्रेय नहीं ले सकी। तो जब नए विपणन प्रबंधक ने अपना कार्यभार संभाला तो उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या खड़ी हुई वो ये थी कि रश्मि को किस प्रकार अपने पहले वाले पूर्व निष्पादन स्तर पर लाने हेतु अभिप्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए, किस तरह से उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि वो पहले जैसा कार्य करने में सफल हो सके, सक्षम हो सके। उन्होंने ये भी पहचाना कि रश्मि कंपनी के साथ काफी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, कंपनी के बारे में अच्छे से जानती हैं, उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही था ताकि वे वास्तव में अपने कार्य निष्पादन को भली भांति कर सकें। अब हम आते हैं अभिप्रेरणा। इसका अर्थ क्या है? मोटिवेशन, किसी को प्रोत्साहित करना, किसी काम के लिए उत्साह देना, मनोबल बढ़ाना, इसका क्या तात्पर्य होता है? वह क्या है, वह ऐसी क्या चीज है जिसके कारण व्यक्ति विशेष प्रकार का व्यवहार करते हैं? क्या कारण रहते हैं कि कुछ विशेष कार्य करने के लिए हम अपनी अनिच्छा दिखाते हैं, हम कोई कार्य नहीं करना चाहते, इच्छुक नहीं होते उस कार्य को करने के लिए, जबकि उनमें कार्य करने की योग्यता होती है, सक्षमता होती है, एबिलिटी होती है। तो फिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने कार्य को अधिक कुशलता से कर सके, अधिक सफलतापूर्वक संपन्न कर सके? इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए प्रबंधक को अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए, अपनी कॉन्शियस को जगाना चाहिए,
ताकि वह व्यक्तियों के व्यवहार के कारणों को जान सके, उनका पता लगा सके। एक प्रबंधक को अत्यंत उच्च प्रतिबद्ध और मेहनती कर्मचारियों के साथ कार्य करना पड़ता है, अथवा उसे आलसी, अस्पष्ट और सतही श्रमिकों से भी कार्य लेना होता है। एक कंपनी में सभी प्रकार के लोग होते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती। सभी तरह के लोग इस दुनिया में होते हैं और एक कंपनी में भी सभी प्रकार के कर्मचारी हो सकते हैं। कुछ आलसी भी हो सकते हैं, कुछ मेहनती हो सकते हैं। कई लोगों को अपने लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, कई दुविधा में रहते हैं कि निर्णय लेने में उन्हें दुविधा महसूस होती है, आसानी से निर्णय नहीं ले पाते। वे शायद ये हैरानी करें कि उन श्रमिकों के साथ क्या किया जाए जो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार कार्य करने के लिए इच्छुक भी नहीं। हालांकि उनके अंदर कैलिबर है, उनके अंदर दक्षता है, उनके हाथ में कौशल है, निपुणता है, लेकिन वे अधिकाधिक उससे काम नहीं ले पाते। मनोवैज्ञानिकों का भी इस बारे में कहना है कि अभिप्रेरणा ही होती है जो किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से कार्य करने हेतु मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, उकसाती है। तो आइए बच्चों, अभिप्रेरणा के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ है किसी भी कार्य या क्रिया को प्रेरित या प्रभावित करना। व्यवसाय के संदर्भ में देखा जाए तो इसका अर्थ उस प्रक्रिया से है जो अधीनस्थों को निर्धारित संगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक वांछित रूप से कार्य करने हेतु तैयार करता है। अभिप्रेरणा के विषय में चर्चा करते समय ये आवश्यक है कि हम तीन परस्पर संबंधित शब्दों का अर्थ समझें, जाने। उद्देश्य, लक्ष्य, अभिप्रेरणा, उत्प्रेरक। तो हम इन्हें डिटेल में विस्तार से जानते हैं। नंबर एक, उद्देश्य। उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हमारे लक्ष्य क्या है, हम किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं। ये आंतरिक स्थिति होती है जो व्यवहार को ऊर्जित करती है, सक्रिय बनाती है और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिशा निर्देशन करती है। उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं से ही उत्पन्न होता है। उस उद्देश्य की पूर्ति मनुष्य में एक बेचैनी पैदा करती है जो उस बेचैनी को कम करने के लिए, कुछ क्रिया करने के लिए तत्पर करती है। उदाहरण के लिए, इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि खाने की आवश्यकता भूख पैदा करती है जिसके कारण मनुष्य खाने की खोज करता है। ऐसे ही कुछ अन्य प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं, जैसे भूख लगना, खाना खाने की इच्छा होना, प्यास लगना, पानी पीने की इच्छा हो सकती है, सुरक्षा, जुड़ाव, सुख सुविधाओं की जरूरत, अपने घर को लग्जूरियस आइटम से भर देना, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगलो, पहचान बनाना, मान सम्मान, समाज में अच्छा स्टेटस, प्रतिष्ठा स्थापित करना, इत्यादि इत्यादि। अब हम जानते हैं अभिप्रेरणा के बारे में। अभिप्रेरणा एक इस प्रकार की प्रतिष्ठित प्रशिक्षण होता है जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। अभिप्रेरणा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, किसी चीज के लिए प्रेरित करना व्यक्तियों की आवश्यकताओं की संतुष्टि पर निर्भर करता है। अभिप्रेरक, अभिप्रेरक वह तकनीक है जिसका प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने हेतु किया जाता है, उन्हें किसी काम के लिए प्रेरणा देने में किया जाता है कि आप ये काम अच्छे से कर सकते हो, आप इस काम को सफलतापूर्वक कर सकते हो, जब दूसरे व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब अभिप्रेरण का काम करते हैं। प्रबंधक विविध प्रेरकों का प्रयोग करते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप वेतन का बढ़ाया जाना, बोनस देना, पदोन्नति कर देना, पहचान, प्रशंसा, उत्तरदायित्व इत्यादि का संगठन। इनमें लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता होती है और वे अपना सर्वोत्तम योगदान देने में सक्षम और सफल हो पाते हैं। अभिप्रेरणा की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। बच्चों, विलियम जी अकाउंट ने कहा कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। एक अन्य चिंतक और विचारक हैं मैक फॉरलैंड, इन्होंने कहा कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य उस तरीके से है जिसमें आवेग,
प्रेरणा, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास तथा आवश्यकताएं मनुष्य के व्यवहार को निर्देशित करती हैं, नियंत्रित करती हैं तथा स्पष्ट करती हैं। डूबिन ने कहा कि अभिप्रेरणा एक जटिल बल होता है जो कार्य प्रारंभ करने तथा संगठन में व्यक्तियों को कार्यरत रखने का कार्य करती है। अभिप्रेरणा वह होती है जो व्यक्तियों को कार्य प्रारंभ करने हेतु तैयार करती है और निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित भी करती है जो कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है। फ्रेड ल्यूथांस ने बोला कि अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो एक शारीरिक अथवा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या कमी के साथ शुरू होती है जो किसी व्यवहार या प्रेरणा को उत्पन्न करती है जिसका उद्देश्य किसी लक्ष्य या प्रोत्साहन की पूर्ति करना होता है। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा की विशेषताओं के बारे में। विभिन्न परिभाषाओं और अभिप्रेरणा पर भिन्न भिन्न विचार बिंदुओं का विश्लेषण करने पर अभिप्रेरणा की निम्नलिखित विशेषताएं सामने आती हैं। अभिप्रेरणा एक आंतरिक अनुभव होता है। आवेग, प्रवृत्ति, इच्छाएं, आकांक्षाएं, प्रयास करना, मनुष्य की जरूरतें जो कि आंतरिक होती हैं, ये सब मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तियों की ये इच्छा आकांक्षा हो सकती है कि उनके पास मोटरसाइकिल हो या आरामदायक सुसज्जित घर हो, बड़ा सा बंगलो हो, समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। ये इच्छाएं मनुष्य की इंटरनल इच्छाएं हैं, आंतरिक इच्छाएं हैं। अभिप्रेरणा एक लक्ष्य आधारित व्यवहार को जन्म देती है। उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी को पदोन्नति उसके निष्पादन को सुधारने के उद्देश्य से दी जा सकती है कि आपने अच्छा काम किया भाई, आपकी हम प्रमोशन करते हैं, आप इससे और अच्छा काम करो, ये उसके लिए मोटिवेशन का काम करती है। यदि कर्मचारी को उस पदोन्नति में रुचि है, यदि उसको अच्छा लगता है, तो ये ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करती है जो उसकी कार्य निष्पादन की प्रवृत्ति में सुधार लाएगा, उसका कार्य निष्पादन के तरीका और अधिक निखरेगा। अभिप्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार की हो सकती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा सकारात्मक पारिश्रमिक या प्रतिफल प्रदान करता है, जैसे उदाहरण के तौर पर वेतन में बढ़ोतरी, सैलरी बढ़ानी, सैलरी में वृद्धि, पदोन्नति, प्रमोशन देना, पहचान इत्यादि। नकारात्मक अभिप्रेरणा नकारात्मक तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे सजा देना या वेतन की वृद्धि को रोकना, डिमोशन करना, धमकी देना इत्यादि इत्यादि। ये सभी व्यक्ति को एक वांछित व्यवहार करने हेतु प्रेरित करते हैं, ऐसी स्थितियां पैदा करते हैं। अभिप्रेरणा एक जटिल प्रकार की प्रक्रिया होती है क्योंकि मनुष्यों की अपेक्षाओं में विविधता होती है, उनके अवबोधन और प्रतिक्रियाओं में भी भिन्नता पाई जाती है, एक समान नहीं होती है। इसी प्रकार की अभिप्रेरणा का सभी पर एक जैसा प्रभाव पड़े ये आवश्यक नहीं, क्योंकि मैनी मैन मैनी माइंड्स, कई तरह के लोग होते हैं, तो सबका चिंतन सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। इसलिए अभिप्रेरणा भी सभी व्यक्तियों पर एक जैसा प्रभाव छोड़े ऐसा नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया ये क्या है बच्चों, अब हम देखते हैं। अभिप्रेरणा प्रक्रिया मनुष्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। एक मॉडल की सहायता से आप अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। सबसे ऊपर टॉप पर आती हैं असंतुष्ट आवश्यकताएं, जिसकी वजह से तनाव उत्पन्न होता है। उस तनाव से हम आवेग में आ जाते हैं, वही हमारे व्यवहार की संतुष्टि करता है, फिर आवश्यकता की संतुष्टि और लास्ट में अंत में तनाव में कमी। निम्नलिखित उदाहरण मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। उदाहरण के तौर पर एक बड़ा ही साधारण सा एग्जाम्पल दिया है। रामू को भूख लगी है क्योंकि उसने सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खाया। दोपहर 1 बजे तक वो उसको बेचैनी महसूस होती है और सड़क पर कुछ होटल में या जलपान गृह में खाना ढूंढने के लिए चल पड़ता है। 2 किलोमीटर तक चलने के बाद भी उसे एक होटल मिलता है जहां उसे मात्र 10 रुपए में रोटी और दाल खाने को मिलती है, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 15 रुपए होते हैं। उसने 10 रुपए देकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उसे लगा कि उसमें एनर्जी वापस आ गई,
क्योंकि उसका पेट भर गया, अब उसकी संतुष्टि हो गई। मनुष्य की एक असंतुष्ट आवश्यकता तनाव को जन्म देती है और उसमें आवेग उत्पन्न होता है। ये संवेग ही खोजने की प्रवृत्ति व्यवहार का सृजन करती है ताकि उस आवश्यकता की पूर्ति हो सके। यदि उस जरूरत की संतुष्टि हो जाए तो व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। जैसे रामू को भूख लगी, उसने होटल में जाके खाना खाया, उसके उसकी उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हुई और तनाव मुक्त हो गया। अब हम जानेंगे अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में। अभिप्रेरणा को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है क्योंकि यह संस्था में लोगों की आवश्यकताओं को पहचानने और उन्हें संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करता है ताकि कार्य के निष्पादन में उन कार्य को सुधारने में अपना योगदान दिया जा सके। यही कारण है कि सभी मुख्य मुख्य संगठन विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरणात्मक कार्यक्रमों का विकास करते हैं और इस प्रकार के कार्यक्रमों पर करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, क्योंकि मानव संसाधन अन्य संसाधनों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए अभिप्रेरणा को एक महत्वपूर्ण क्रिया के रूप में जाना जाता है। अभिप्रेरणा के महत्व को हम निम्नलिखित लाभों के द्वारा समझ सकते हैं। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के निष्पादन स्तर में सुधार लाती है, संगठन के सफल निष्पादन में सहायक होती है क्योंकि उपयुक्त अभिप्रेरणा कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। वो अपनी सारी ऊर्जा अपने कार्य के निष्पादन पर ही केंद्रित करते हैं। एक संतुष्ट कर्मचारी हमेशा एक वांछित निष्पादन करने में सफल होता है। संगठन में प्रभावी अभिप्रेरणा उच्च स्तरीय निष्पादन प्राप्त करने में भी सहायक होती है। कर्मचारी सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने प्रयासों का अधिकतम योगदान देते हैं। अभिप्रेरणा कर्मचारियों के नकारात्मक दृष्टिकोण को, तटस्थ दृष्टिकोण या निष्क्रिय दृष्टिकोण को सांगठनिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उनके सकारात्मक रूपांतरण में भी सहायक सिद्ध होती है। उदाहरण के लिए, एक श्रमिक अपने कार्य के प्रति उदासीन या नकारात्मक रवैया रख सकता है यदि उसे उपयुक्त पारिश्रमिक प्रतिफल नहीं मिलता। यदि उपयुक्त प्रतिफल मिल जाए तो पर्यवेक्षक सकारात्मक प्रोत्साहन भी देता है, उसके अच्छे कार्य के लिए उसकी प्रशंसा भी करता है, तो वही कर्मचारी धीरे धीरे अपने कार्यशैली में सुधार लाता है और अपने कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों की संस्था को छोड़कर जाने की दर को कम करता है और इससे नई नियुक्ति और प्रशिक्षण लागत में भी बचत होती है। कर्मचारियों की संस्था को छोड़कर जाने की उच्च दर का मुख्य कारण होता है अभिप्रेरणा का अभाव। जहां मोटिवेशन की कमी होगी वहीं पर कर्मचारी कंपनी छोड़कर भागेंगे। यदि प्रबंधक कर्मचारियों की अभिप्रेरणात्मक आवश्यकताओं को पहचान ले, उन्हें उचित रूप से प्रोत्साहित करे, समय समय पर प्रोत्साहन दे, उत्साह बढ़ाए, तो कर्मचारी संस्था को छोड़कर जाने की सोचेंगे भी नहीं। कर्मचारियों को छोड़ने की उच्च दर प्रबंध को बाध्य करती है कि वे नई भर्ती करें, उनका प्रशिक्षण करें, उनमें अतिरिक्त निवेश करें, समय की खपत होती है, उसमें प्रयास भी जाते हैं। अभिप्रेरणा इन सभी लागतों को बचाने में सहायक सिद्ध होती है। ये प्रतिभावान लोगों को संस्था में टिके रहने में भी सहायक सिद्ध होती है। अभिप्रेरणा संगठन को अनुपस्थिति को कम करने में भी सहायक होती है। अनुपस्थिति के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि अनुपयुक्त या बुरी कार्य स्थितियां, अपर्याप्त पारिश्रमिक, कम पारिश्रमिक मिलना, प्रतिफल कम मिलना, पहचान का अभाव, मान सम्मान प्रतिष्ठा ना मिलना, पर्यवेक्षकों के साथ बुरे संबंध, लड़ाई झगड़ा इत्यादि इत्यादि। यदि पर्याप्त अभिप्रेरणा प्रदान की जाए तो कार्य एक आनंद का स्रोत बन जाता है। सभी कर्मी खुशी खुशी अपने कार्य को अंजाम देते हैं और श्रमिक अपने कार्य पर नियमित रूप से आना प्रारंभ कर देते हैं, देरी से नहीं आते, समय पर आते हैं, समय के पाबंद होते हैं। अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तन प्रारंभ किए बिना लोगों के विरोध में सहायता देती है। साधारण रूप से देखा जाए तो किसी भी परिवर्तन के संगठन में प्रारंभ होने पर उस परिवर्तन में विरोध हो सकता है। यदि प्रबंधक कर्मचारियों को यह आश्वस्ति दे
या आश्वासन दे, ये भरोसा दिलाए कि प्रस्तावित परिवर्तन कर्मचारियों के लिए भी अतिरिक्त प्रतिफल लाएगा, तो वे इस परिवर्तन को सहर्ष स्वीकार करने हेतु तैयार हो जाते हैं। तो उक्त उदाहरण की सहायता से आपने देखा कि किस प्रकार से अच्छा निर्देशन, अभिप्रेरणा और नेतृत्व कंपनी को आगे बढ़ाता है, यहां तक कि परस्पर संवाद स्थापित करना इस कर्मचारियों को प्रोत्साहन का कार्य करता है, वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल सिद्ध होते हैं और प्रबंधन की प्रक्रिया में अपना सक्रिय योगदान देते हैं, अपनी भागीदारी भी निभाते हैं। टाटा स्टील कंपनी में कर्मचारियों को अभिप्रेरणा का एक केस स्टडी के द्वारा समझाया गया है। टाटा स्टील कंपनी जो कि वर्ल्ड फेमस कंपनी है, सुविख्यात कंपनी है, कर्मचारियों और अधिकारियों की निर्णय लेने की प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय भागीदारी के स्तर को बढ़ाने के लिए अनेकानेक प्रयास किए गए हैं, जिसके लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम, उसकी समीक्षा करना, कार्य आवर्तन प्रणाली, पुरस्कार देना, अभियान प्रणाली, मूल्य निर्धारण से संबंध व्यवस्था, गुणवत्ता चक्रों में नेतृत्व, सुअवसर देना, निरंतर सुधार कार्य करना और विश्वसनीय बहुमार्गीय संचार प्रणाली का अपनाया जाना, सभी कर्मचारियों की सभी आशंकाओं को, जिज्ञासाओं को शांत करना, विभिन्न प्रकार के संवाद स्थापित करना और इसके लिए औपचारिक और ऑनलाइन दोनों प्रकार के साधनों द्वारा इसका निपटारा किया जाता है। इसके लिए वरिष्ठ प्रबंधन के साथ MD ऑनलाइन से विशिष्ट संवाद स्थापित किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जाती है, संगोष्ठियां, सम्मेलन, मीटिंग्स, सेमिनार इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इन प्रयासों ने टाटा स्टील में एक समांगी और संकेंद्रित टीम बनाने में भी सहयोग दिया है। अभिप्रेरणा को बढ़ाने और कंपनी को एक दूरदर्शिता से बांधने तथा प्रेरक कर्मचारी सहभागिता पूर्ण प्रबंधन आधार के द्वारा लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रक्रम के स्वामित्व की ओर बढ़ सकते हैं। टाटा स्टील वह कंपनी है जो सक्रियता के साथ कार्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, नवाचार के लिए स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है, एक सुदृढ़ वृद्धि के पथ पर बढ़ती जा रही है, तीव्र आधुनिक और दूरदर्शी कंपनी है। यह कंपनी उत्पादक सुसाध्यताओं और निर्माण प्रक्रम की तकनीकी में एक क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। इन बदलावों के फलस्वरूप कंपनी ने नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक सुअवसरों की रचना की, जिसके लिए कंपनी ने यह कार्य हेतु युवाओं की भर्ती, निष्पादन आधारित IT सक्षम प्रणाली और उच्च स्तर के स्वचालित यंत्र जुटाए हैं। ऑटोमेटिक उन्होंने अपने ट्रांसमीटर्स, अपनी कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सब ऑटोमेटिक मशीनें लगा रखी हैं। इन सभी चीजों के कारण कंपनी सर्वाधिक निम्न लागत वाली, कम लागत में अधिक उत्पादन वाली कंपनी बन गई है और पहली ऐसी भारतीय कंपनी है जिसे वर्ल्ड स्टील डायनेमिक्स में मान्यता मिली है और विश्व स्तरीय सर्वोच्च स्टील निर्माता की उपाधि भी प्राप्त हुई है। टाटा स्टील न केवल समेकित करने में आशा करती है बल्कि संतुलित और नेतृत्व विकास व्यवस्था के द्वारा भी अपने नेतृत्व शैली को बेहतर बनाती है, जिसे कंपनी के द्वारा बहुत सारी दूसरी कंपनियों हेतु तैयार किए गए कार्यकारी अधिकारियों के रूप में देखा जा सकता है। मास्लो की आवश्यकता, क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो अब हम इस सिद्धांत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि अभिप्रेरणा एक जटिल प्रोसेस होता है, बहुत से शोधकर्ताओं ने अभिप्रेरणा के संबंध में ये अध्ययन किया जो कि विभिन्न आयामों के आधार पर किया गया और कुछ सिद्धांतों को भी विकसित किया। ये सिद्धांत अभिप्रेरणा की अवधारणा को समझने में सहायता करते हैं। इसमें से मास्लो की आवश्यकता क्रम एक आधारभूत सिद्धांत है, इसे विस्तार से जानेंगे। अब्राहम मास्लो जो कि एक सुविख्यात मनोवैज्ञानिक हैं, जिनका एक उत्कृष्ट लेख 1943 में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने समग्र अभिप्रेरणा के सिद्धांत के तत्वों की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत की। उनका सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित था।
उनका ऐसा मानना था, उनका ऐसा अनुभव था कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर पांच प्रकार की आवश्यकताएं क्रम अनुसार होती हैं। वे कौन सी आवश्यकताएं होती हैं बच्चों? वे निम्नलिखित हैं। नंबर एक, आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। ये आवश्यकताएं क्रम में सबसे अधिक आधारभूत होती हैं तथा मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से आती हैं, जैसे भूख लगना जो कि एक प्राथमिक आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है, प्यास लगना, पानी पीने की इच्छा एक नैसर्गिक इच्छा होती है, छत, हमें रहने के लिए आवास चाहिए, सिर पर छत चाहिए होती है, एक मकान की आवश्यकता होती है, नींद लेना बहुत जरूरी होता है, तथा काम इत्यादि कुछ इस प्रकार की आवश्यकताओं के उदाहरण है। संगठनिक संदर्भ में आधारित वेतन इन सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। अब हम आते हैं सुरक्षा आवश्यकताओं पर। ये आवश्यकताएं सुरक्षा और किसी भी शारीरिक या मनोवेगों की क्षति से बचाव प्रदान करती हैं। उदाहरण के रूप में पद में सुरक्षा, आय स्रोत में सुरक्षा, नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन इत्यादि। संस्था से जुड़ाव या संस्था से संबंध स्थापित करना। अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे स्नेह, संस्था से संबंध, आपके संस्था के साथ मैत्री संबंध है, स्वीकृति या मित्रता जैसे भावों से संबंधित होता है, जो कि संस्था से जुड़ाव को शो करती हैं, दिखाती हैं, दर्शाती हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा आवश्यक होती है। यह उन कारकों को सम्मिलित करती है जैसे कि आत्मसम्मान, गौरव, गरिमा बनाए रखना, पद की स्वायत्तता, पहचान को कायम करना, आदर सत्कार इत्यादि। आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। यह आवश्यकता क्रम श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता होती है। यह उस भावना को बताती है जो किसी के अंदर उस विद्यमान योग्यता की जो कि वह बन सकता है। वे आवश्यकताएं विकास, आत्मसंतुष्टि और उद्देश्यों की पूर्ति को भी सम्मिलित करती हैं। मास्लो का सिद्धांत निम्नलिखित संकल्पनाओं पर आधारित है। व्यक्तियों का व्यवहार उनकी आवश्यकता उन आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर निर्भर करता है जो कि उनके व्यवहार को प्रभावित करती है। लोगों की आवश्यकताएं एक क्रम श्रृंखला के रूप में होती है। आधारभूत आवश्यकताओं से शुरू होकर अन्य उच्च स्तरीय आवश्यकताओं तक हम जाते हैं। एक आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति के लिए वे अभिप्रेरणा का स्रोत नहीं रहती, केवल अगले क्रम की आवश्यकता ही उन्हें अभिप्रेरित कर सकती है। एक व्यक्ति क्रम में अगले उच्चतर क्रम की आवश्यकता तभी महसूस करता है जब उसके निचले स्तर की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। तो मास्लो के सिद्धांत के अनुसार ये आवश्यकताओं को अभिप्रेरणा के आधार पर केंद्रित करता है। यह सिद्धांत बहुत विस्तृत रूप से प्रसिद्ध हुआ और इसे सराहा भी गया, इसकी प्रशंसा भी हुई। यद्यपि इसकी कुछ संकल्पनाओं पर प्रश्न भी उठे हैं जो कि आवश्यकताओं के वर्गीकरण और क्रमबद्धता से संबंधित है, परंतु इन सभी आलोचनाओं के बावजूद भी यह सिद्धांत आज भी प्रासंगिक माना जाता है, क्योंकि आवश्यकताएं, जरूरतें, चाहे वे किसी भी प्रकार से बांटी गई हों, व्यवहार को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ये प्रबंधकों को ये समझने में मदद करती हैं कि कर्मचारियों की आवश्यकता के स्तर को पहचानना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना कितना आवश्यक होता है। तो मास्लो की आवश्यकता क्रम श्रृंखला को हम इस चार्ट के द्वारा, इस चार्ट के उदाहरण से समझ सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत उदाहरण और सांगठनिक उदाहरण दोनों शामिल हैं। व्यक्तिगत उदाहरण के अंतर्गत आत्मसंतुष्टि, पद प्रतिष्ठा, मित्रता, आय का स्थायी स्रोत और भूख। आत्मसंतुष्टि और आवश्यकताएं प्रतिष्ठा, मान सम्मान आवश्यकताएं, संबंध आवश्यकताएं, सुरक्षा आवश्यकताएं, आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। सांगठनिक उदाहरणों में आधारित वेतन, निवृत्ति का पेंशन योजना, सहकर्मियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, पद शीर्षक विवरण और उद्देश्यों की पूर्ति ये शामिल। अब हम पुनरावृत्ति प्रश्नों पर आते हैं। अब्राहम मास्लो जो कि मनोवैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की पांच प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं,
ये आवश्यकताएं क्रम में सबसे अधिक आधारभूत होती हैं और मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में से आती हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, एक उचित घर का आवश्यकता महसूस होना, पर्याप्त नींद लेना इत्यादि इत्यादि। सुरक्षा आवश्यकताएं, ये आवश्यकताएं सुरक्षा या किसी भी शारीरिक या मनोवेगों की क्षति से सुरक्षा प्रदान करती हैं, जैसे पद में सुरक्षा, आय स्रोत में स्थितिकरण, नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन इत्यादि। संस्था से जुड़ाव, संबंध स्थापित करना, स्वीकृति अथवा मित्रता जैसे भावों से संबंधित होना। मान सम्मान प्रतिष्ठा, यह उन कारकों को सम्मिलित करती है जैसे कि आत्मसम्मान, पद स्वायत्तता, पहचान, ध्यान, आदर सत्कार इत्यादि। आत्मसंतुष्टि आवश्यकता, यह आवश्यकता क्रम श्रृंखला में सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है। यह उस भावना को बताती है, यह उन आवेगों को स्पष्ट करती है जो किसी के अंदर उस विद्यमान योग्यता की, जो कि वह बन सकता है, जो वह हो सकता है। ये आवश्यकताएं विकास, आत्मसंतुष्टि तथा उद्देश्यों की पूर्ति को सम्मिलित करती हैं। तो बच्चों, आज के अध्याय में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।